खबर राजधानी भोपाल से। बीजेपी और कांग्रेस के नगर पालिका अध्यक्ष पहुंचे सीएम हाउस। नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद का कार्यकाल बढ़ाने की मांग को लेकर हुए एकजुट। प्रदेश भर से करीब 200 से ज्यादा अध्यक्ष और महापौर पहुंचे सीएम हाउस। कार्यकाल नहीं बढ़ाए जाने पर उपचुनाव का करेंगे बहिष्कार और कहा कि जनपद पंचायत और जिला पंचायत से कार्यकाल बढ़ाए गए हैं एक साल के, लेकिन हम लोगों के कार्यकाल क्यों नहीं बढ़ाए गए। मुख्यमंत्री जी, हम लोगों का कार्यकाल बढ़ा नहीं तो हम उपचुनाव में बहिष्कार करेंगे। भोपाल से संवाददाता नीरज विश्वकर्मा की रिपोर्ट। आप लोग आज यहाँ सीएम हाउस पहुँचे हैं, क्या मांगे हैं आप? 22 अप्रैल को माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी प्रथम कैबिनेट की बैठक में ये निर्णय किया था कि जिला पंचायत के अध्यक्ष, जनपदों के अध्यक्ष, बात ये पद की नहीं है, बात प्रतिष्ठा और सम्मान की है। ये जो घोषणा होने के बावजूद कल आदेश लागू ना होना, ये हमारे सम्मान पर कुठाराघात है। हम उपवास के पात्र बने, इसलिए हम सब पद नहीं सम्मान की लड़ाई को लड़ रहे हैं और हम इस लड़ाई को लड़ने के लिए किसी भी स्तर पर जा सकते हैं। आपके साथ बीजेपी के भी कुछ लोग, 80% अध्यक्ष हम बीजेपी के हैं, मैं भी बीजेपी का से अध्यक्ष हूँ। 80% लोग भारतीय जनता पार्टी के नगरीय निकायों में अध्यक्ष हैं। अभी माननीय सिंधिया जी के साथ और 30-35 अध्यक्ष हमारे साथ आ गए। यदि ये कार्यकाल नहीं बढ़ाते हैं उस स्थिति में आप लोग क्या करेंगे? अगर ये कार्यकाल नहीं बढ़ाया गया है तो 27 स्थानों पर विधानसभा में जो उपचुनाव होने वाला है वहाँ नगरीय निकायों के अध्यक्ष काम नहीं करेंगे, विरोध करेंगे, खुल के विरोध करेंगे और वहाँ जो प्रत्याशी होगा उसको राजनीतिक समीकरण बनाकर अगर आवश्यकता पड़ी तो किसी भी स्तर पर जाकर उसको परास्त करा देंगे। इस मामले में अभी आपकी सीएम से या किसी सीएम साहब से 3 बार हम मिल चुके हैं। माननीय पार्टी के अध्यक्ष विष्णु शर्मा जी से हम 3 बार भेंट कर चुके हैं। पिछली बार जब हम 22 अभी आए थे 22 तारीख को, तब माननीय नगरी प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी ने हमें ये आश्वासन दिया था कि 3 दिन में आपका निराकरण कर दिया जाएगा। आप मुख्यमंत्री जी की तरफ से इसको आश्वासन मानिए। दौलत राम गुप्ता, श्योपुर नगर पालिका अध्यक्ष। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।